हेलो फ्रेंड्स, आज हम बताएंगे कि जो अपने सिस्टम पे कोई भी फोल्डर ओपन ओपन करने से का तरीका, कि किसी भी फोल्डर का शॉर्टकट बनाना या किसी भी साइट को अपन ज़्यादा यूज़ में डेली यूज़ में लेते हैं तो उसका एक शॉर्टकट बना के रखने से अपन को बहुत बेनिफिट रहता है। तो चलिए आज देखते हैं कैसे बनाते हैं ना। सबसे पहले हमें जाना है नए न्यू फोल्डर के अंदर। यहाँ से न्यू फोल्डर न्यू शॉर्टकट क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हमें जो भी साइट जो डेली यूज़ में आती है, या मान लीजिए कि ये वाली साइट को है हमें खोलना है ना, डेली हम इसी पे ज़्यादा वर्क करते हैं, तो इसका हमें सिंपल इसमें यूआरएल डाल देना होगी। यूआरएल डालने के बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद में शॉर्टकट न्यू इंटरनेट से चला जाएगा ये, और यहाँ पर जो है फिनिश करेंगे। फिनिश करने के बाद में हमें हमारा शॉर्टकट क्रिएट हुआ मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम अपना इसका आइकॉन भी जो है ना चेंज कर सकते हैं, जो भी हमको सूटेबल लगे वो हम अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें हम लगा सकते हैं आइकॉन। ठीक है फ्रेंड, इस तरीके से ये तो गया वेब शॉर्टकट है ना। और ठीक उसी तरह जैसे कि हमें मान लीजिए कि किसी फोल्डर को बार बार ओपन करना होती है, इस शॉर्टकट की मदद से हम जो है कि किसी भी ड्राइव में ना जाके हम डायरेक्ट उसी फोल्डर के अंदर जाएंगे और अपना डाटा तुरंत ही ओपन कर लेंगे। जैसे कि मान लीजिए मुझे पिक्चर्स में जाना होती है, पिक्चर्स में मेरा कोई कंपेयर रहता है तो मैं पिक्चर्स में जाऊंगा। पिक्चर्स में जाने के बाद में मुझे सिंपली यही वाला फोल्डर मान लीजिए मैं चूज़ कर लेता हूँ, इसके हम इसे यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में जैसे नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद में फिर फिनिश करेंगे है ना। फिनिश करना जब भी हम को वो जो शॉर्टकट हमने जो बनाया है उस शॉर्टकट पे डायरेक्टली हम क्लिक करेंगे तो हमें ये हमें सिंपल वहीं उसी वाले फोल्डर में जाके ओपन करेगा। हमें ना ही कहीं मतलब किसी फोल्डर के अंदर जाना है, ना किसी के अंदर मतलब दूसरी साइट पे खोलना है तब जाके हम उस पर डालेंगे, नहीं तो इसमें का सिंपल हम अपने जो भी हमें काम करना होती है वो हम उस पर डायरेक्टली चले जाते हैं। तो ये वाली ट्रिक जो है आपको नहीं पता हो तो आप कर सकते हैं ना।